हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का, लेक्चर नंबर 5 होगा। तो अभी तक आपने नंबर सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा जानवरों पे आधारित प्रश्न, और इस वीडियो का जो सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा अंकों पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जानवरों पे आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए गाय है और बकरी है या मनुष्य है, उन दोनों के मतलब कि पैरों की संख्या इतना और उनके सिरों की संख्या इतना, तो गाय की संख्या बताइए या बकरी की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जानवरों पे आधारित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, या यूपी पुलिस का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, इसका जो सेकेंड कंसेप्ट है वो अंकों पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक कैसे आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 57 है और 57 के मैं पावर अगर 57 कर दे रहा हूँ, तो इसका पावर यानी कि जितना इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा या जो भी इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जितना इसका मतलब कि वर्ग आएगा चाहे जो भी आएगा, इसका रिजल्ट यहाँ पे जो आएगा, इसके इकाई का अंक यहाँ पे कितना होगा, तो ये मैं इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 2 के पावर 17, तो 2 के पावर 17 का जो इकाई का अंक बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि इकाई का अंक आप कैसे निकाल पाएंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ इस वीडियो के सबसे पहले नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि जानवरों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा फ्रेंड्स, जो सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट इस वीडियो का होगा वो क्या होने वाला है कि जानवरों पर आधारित प्रश्न। चलिए, तो जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे, यानी नीचे आपका शो किया जा रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या बताइए। ऑप्शन आपको दिया गया है 2, 8, 10 और 15। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को क्या कीजिए, पूछ कीजिए और इस क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे समझते हैं। आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। आइए क्वेश्चन समझते हैं कि भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मानना होगा कि मैं मान लेता हूं कि उस समूह में जितने भी भेड़ होंगे चाहे जितने भी गडरिये होंगे, उनकी संख्या मैं मान ले रहा हूं कि भेड़ की जो संख्या है वो एक्स और गडरियों की जो संख्या है वो वाई। मैंने सपोज ये किया कि माना भेड़ की जो संख्या है वो क्या है, एक्स, और जो गडरियों की संख्या है वो क्या है, वाई। मैंने मान लिया क्या कि भेड़ की संख्या एक्स और गडरियों की संख्या वाई। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए भेड़ के पास कितने पैर होते हैं, तो भेड़ के पास 4 पैर होते हैं और भेड़ की जो सिर होती है यानी हेड होता है वो क्या होता है, एक। ये हो गया आपका पैर और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिर। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो गडरिया क्या होता है, एक मनुष्य के अंतर्गत आता है, जो इसके पैर कितने होंगे, तो इसके पैर 2 और कितने सिर कितने होंगे, तो इसके सिर 1 होंगे। किसी भी इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो कुछ भी हो, तो उसके सिर 1 ही होंगे लेकिन पैर बदल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला चीज आपको याद करना है, ठीक है, याद रखना है, और ये वाला चीज इस मतलब कि क्वेश्चन में आपका लागू किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का पैर मिला के 16 है, तो आपको क्या करना है कि भेड़ की जो पैर होंगे कितने होंगे,
तो भेड़ के पैर चार होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चार होंगे तो इसके टोटल पैर कितने हो जाएंगे, तो 4x, यानी कि जो हेड होगा तो हेड तो एक होगा, ठीक है, हेड तो एक होगा, लेकिन अगर हम चार से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनके क्या हो जाएंगे, टोटल पैर निकल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे गैलरियों के जो पैर निकालेंगे, हेड की संख्या एक और पैर की संख्या दो, तो वाई यहाँ पे माने हैं, तो वाई में क्या करेंगे, हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पैर निकल जाएंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पैर की जो संख्या, यानी कि भेड़ के कितने पैर हैं, चार पैर, तो चार यानी कि एक्स प्लस गड़रियों कितने पैर होते हैं, तो दो, यानी कि टू वाई इज इक्वल टू, आपको कितना बोला जा रहा है कि 16 पैर है ना, तो 16 आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू कर देना है। अब देखिए मैं यहाँ से दो कॉमन ले लूंगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देखिए आप ये पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे समझ लीजिए, इसके आगे आने वाले समस्त क्वेश्चन को आप मतलब कि 5 सेकंड के अंतर्गत आप हल कर ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसी तरह आगे हम देखते हैं कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसलिए एक एक लिखा हूँ कि सिर की संख्या इसकी इसका भी एक हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भी गड़रियों का भी सिर एक ही होता है, तो मैंने क्या माना है, तो भेड़ की संख्या x होगी। तो x की मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि 10 भेड़ है किसी भी समूह में, तो उसके सिर कितने होंगे, तो 10 होंगे। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे मैं 10 लूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो समझिए कि इसका सिर और इसका सिर मिला के 10 अधिक कब होगा, जब इनके पैरों की हम संख्या जोड़ेंगे तब। ओके फ्रेंड्स, आइए समझते हैं, यहाँ पे जो सिर की संख्या होगी 10 अधिक है, तो सिर की संख्या 10 अधिक होगी, यानी कि जो आपका सेकंड कंसेप्ट बोल रहा है, सिर की संख्या यहाँ पे 10 अधिक यहाँ पे कब होगी, 10 हम इसमें कब जोड़ेंगे, जब इसके पैर यहाँ पे ये वाले होंगे, तो पैर यहाँ पे कितने हैं, 16, तो 16 हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इनके जो सिर की संख्या होगी 10 कब अधिक होगी, जब इनके पैर 16 हैं। एक बार और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भेड़ तथा गड़रियों की एक समूह में 16 पैर हैं, तो 16 पैर मैंने ले लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, सब समझ आ दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगला जो टर्म बोल रहा है कि जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, ये जो पैर है आपको दिखाई दे रहा है, पैर जो 16 यहाँ पे पैर दिखाई दे रहा है, 10 अधिक किससे किससे है, तो इससे है। तो फ्रेंड्स आप इसमें 10 माइनस करेंगे तब तो ये वाला इक्वल होगा, और इसमें मैंने 10 ऐड कर दिया पहले से इसको इक्वल करने के लिए। ओके, यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 6। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं या किसी भी तरीके से आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। और देखिए फ्रेंड्स, हमने x किसको माना है, एक्स हमने भेड़ की संख्या को एक्स माना है और गणरियों की संख्या को वाई माना है। तो क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, कि मात्र केवल आप भेड़ की संख्या बताइए, तो भेड़ की संख्या एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका बहुत ही कम टाइम लॉस होगा। ये थोड़ा पहला क्वेश्चन था, पहले कंसेप्ट आपको समझना जरूरी था, अब ये वाला आप कंसेप्ट समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आप इजिली कर पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख के उसे पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या बोला जा रहा है कि चूहे और कबूतर हैं किसी चिड़ियाघर में, और उनके जो सिर की संख्या है 90 है और उनके पैर की संख्या 224 है, तो कबूतर की संख्या बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सुपोज करेंगे कि माना चूहों की संख्या, जो चूहे की संख्या है एक्स मैंने मान लिया, और यहाँ पे कबूतर की संख्या मैंने मान लिया क्या, तो कबूतर की संख्या मैंने मान लिया वाई। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स जो अगले टर्म बोल रहा है कि सिर की संख्या, तो देखिए फ्रेंड्स जो जितने चूहे होंगे चाहे जितने कबूतर होंगे, तो वही क्या होंगे, उनके सिर की संख्या होगी। तो सबसे पहले मैंने एक्स और वाई को ऐड करके यहाँ पे 90 लिख सकता हूँ इजीली। आपको भी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जितने भी चूहे होंगे उतने ही उनके सिर होंगे, और जितने भी कबूतर होंगे उतने ही उनके क्या होंगे, सिर। तो सिरों की संख्या 90, यानी कि दोनों को जोड़ दो कबूतर और चूहे को, तो इनकी सिर की संख्या निकल गई। अब देखिए लेकिन पैर की संख्या निकालने के लिए आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्या मैंने बताया था चूहे के पास कितने पैर होते हैं,
तो चार पैर होते हैं और कबूतर के पास कितने पैर होते हैं, तो दो पैर होते हैं। तो सबसे पहले 224 लाने के लिए आपको क्या करना है, 224 कब आएगा, जब यहाँ पे चूहे के पास चार पैर और कबूतर के पास दो पैर, ये वाला चीज आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये जो लाइन मैंने लिखा है यही इस क्वेश्चन का जान है फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ कि 4x यहाँ पे चूहे के पास चार पैर और कबूतर के पास दो पैर, तो यहाँ पे यही दोनों मिलके 224 बना रहा है। और इसी दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, मतलब एड कर दो, चाहे यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 112 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 112 आ गया। और इस इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला इक्वेशन सेकेंड, दोनों को आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। फिर माइनस कीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। लेकिन फिर से आप देखिए क्वेश्चन, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे जो जितने भी मतलब कि चूहे होंगे, वो चूहे की संख्या क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या बताना है, यानी कि y की वैल्यू बताना है, तो आप इसमें रख दीजिए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू 32 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 माइनस 32 यानी कि कितना हो जाएगा, 68। तो 68 कबूतर होंगे आपके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़े अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आइए अब हम अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने स्क्रीन पे जो दिया गया है क्वेश्चन, उसे रीड कीजिए और केयरफुली उसे ध्यान से पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए, बहुत ही बेहतरीन मैं टॉपिक लेके आ चुका हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तिष्क की संख्या जो है 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन वही है, बस आपसे मुर्गी और मतलब कि गाय के बारे में क्वेश्चन पूछ बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मान लिया कि मुर्गी की संख्या x और जो गाय की संख्या होगी वो क्या होगी, y होगी। मैंने माना क्या कि मुर्गियों की संख्या जितनी होगी वो क्या होगी, x होगी, और जो गाय होंगी, गाय माता की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे y हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कि आपसे बोल रहा है कि पैर की संख्या 140, तो पैर की संख्या का मतलब कि मुर्गी के पास केवल दो पैर और गाय के पास केवल चार पैर होते हैं। तो यहाँ पे कुल पैर दोनों का कितना होगा, इसका पैर कितना होगा, तो 4x होगा, और इसका पैर कितना होगा, तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो मुर्गी होती है इसके तो दो पैर होते हैं, तो 2x, और इसका जो गाय होती है तो गाय के पास यानी कि चार पैर मतलब कि 4y हो जाएगा। ओके, देखिए जो यहाँ पे हेड मैंने माना है, हेड माना है, और हेड में क्या करेंगे, चार से मल्टीप्लाई करेंगे पैर की संख्या निकालने के लिए, और यहाँ पे इसका जो हेड है x है, तो इसका जो पैर की संख्या निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला चीज आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, यही 2x प्लस 4y मिला के कितना मिल रहा है आपसे, 140। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। तो मैंने क्या करूंगा, इसे फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब अगला नंबर टर्म पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, कि मस्तिष्क की संख्या 48 है, तो जितने मुर्गी होंगे उनके पास एक ही सिर होता है फ्रेंड्स, चार सिर नहीं होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 48 है, x प्लस वाई की वैल्यू 40 है, तो माइनस कीजिए किसी को, तो माइनस करेंगे तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना आपका 2। ओके, यानी कि 22। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है कि मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो मुर्गी की संख्या मतलब कि x की वैल्यू निकालना है। आपसे आपने क्या किया, गाय की संख्या तो निकाल लिया, लेकिन मुर्गी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 48, तो यहाँ पे 48 में आप क्या कीजिए, 22 को माइनस कीजिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 48 माइनस 22, तो ये आपका कितना निकल गया, 6, और ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इसका 26 राइट आंसर होगा, यानी कि 26 गाय माता की संख्या होगी, यानी कि मैंने गाय माता की संख्या निकाली है कितना, 26। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब मैं टॉपिक लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए, और आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आ रहा होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में आपको लेजी दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन लेजी उतना है नहीं, थोड़ा सा मतलब कि टिपिकल है। ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है आरआरबी जम्मू जूनियर क्लर्क 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझिए कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, टूर पे कहीं जा रहे होंगे। आधे मालिक, आधे मतलब कि मालिक के बारे में बात किया जा रहा है कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, ओके, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़ों की कितनी संख्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, माना घोड़ा, घोड़े और आदमी, तो घोड़े बराबर आदमी यहाँ पे लिखूंगा कि जितने आदमी घोड़े मतलब कि जितने घोड़े होंगे उतने ही आदमी की संख्या होगी, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे y यहाँ पे लिख दूंगा। घोड़े को मैं x ले रहा हूँ और इसको आप y मत लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेम है ना, तो x मान लीजिए, ओके। तो जितने भी घोड़े होंगे उतने ही आदमी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वही लिखा है कि जितने घोड़े होंगे उतने ही आदमी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, तो सबसे पहले जितने बैठे हैं उनको आप लिखिए कि x बाई टू, आधे मालिक का मतलब कि ये आदमी है x, तो आधे मालिक मतलब आधे जब चढ़ गए हैं मतलब कि घोड़े पे, तो आधे यहाँ पे x बाई टू होगा इसका, ओके। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, ओके, यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, तो आधे मालिक अगर मतलब बैठे हैं ऊपर, तो आधे तो चल रहे हैं उनके साथ ना, तो जब चल रहे हैं तो आदमी की संख्या यहाँ पे हमने मनुष्य माना है, तो आदमी की जो टांगे होती है पैर की संख्या कितनी होती है, दो। तो यहाँ पे x बाई टू में आप दो से मल्टीप्लाई कीजिए टोटल पैर निकालने के लिए, ओके। और इसमें आप क्या करेंगे, एड करेंगे कितना, तो आधे मतलब इतना जितना मतलब चल रहे हैं, ये तो घोड़ा x चल रहा होगा साथ में ना, तो घोड़े की पैर की संख्या हमने माना है x, ओके। तो घोड़े की पैर की संख्या हमने माना है x, तो यहाँ पे देखिए x तो घोड़े की संख्या हो गया, लेकिन हमने घोड़े के पैर अगर निकालेंगे टोटल पैर कितने होंगे, तो 4x से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और यही जब दोनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे, दोनों को एड करेंगे, तो यही कितना होगा 100, यानी कि मतलब कि ओनली 70 दे रहा है, ओके। देखिए एक बार और समझिए, यहाँ पे आदमी और घोड़े कुल मिला के एक है, साथ साथ चल रहे हैं, ओके। लेकिन बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जितने आदमी हैं उनके आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े पर चढ़ गए हैं, तो जितने आदमी चल रहे होंगे उनकी सिर की संख्या यहाँ पे हो जाएगी कितनी, x बाई टू होगी। तो x बाई टू तो उनकी सिर की संख्या हो गई आधे आदमी जब चलेंगे तो, लेकिन पैर की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और यही बात यहाँ पे x साथ साथ घोड़े तो चलेंगे, तो यहाँ पे x घोड़े की सिर की संख्या हो गई, पैर की संख्या निकालने के लिए टोटल पैर निकालेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही दोनों मतलब ऐड करेंगे तो 70 पैर आपको दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या कीजिए, फिर से वो कर दीजिए, तो x बाई टू प्लस यहाँ पे 2x इक्वल टू 35 होगा। 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 35 हो गया। और यहाँ पे ये देखिए कॉमन ले लीजिए, तो x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इजिकल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा इजिकल टू 35, ओके। तो 5 इस x इजिकल टू यहाँ पे कितना होगा 70 हो जाएगा ना, 35 × 70, तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14। तो आपसे क्या बोल रहा है कि घोड़े की संख्या बताइए, तो हमने घोड़े की संख्या x माना था, तो x की जगह पे यहाँ पे 14 आप आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंसेप्ट का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन यही है, उसके बाद हम आ जाएंगे अंकों के, यानी इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भैंस तथा बतकों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंस की संख्या समूह में कितनी है। आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भैंस की जो संख्या है x होगी, जो भैंस की संख्या x, और यहाँ पे बतख की संख्या, बतख की संख्या y हो जाएगी, ओके। भैंस की संख्या x और बतख की संख्या y मानेंगे, सबसे पहले हम यही काम करेंगे। और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर की संख्या, जितने भैंस होंगे जितने बतख होंगे उनकी सिर की संख्या उतनी ही होगी, तो x प्लस y इनके सिर की संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है कि सिर के दोगुना, सिर के आप क्या कीजिए दोगुना कर दीजिए, और जब दोगुना करेंगे तो दोगुना से 24 अधिक पैर हैं। तो देखिए अब पैर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
पैर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भैंस के कितने पैर होते हैं तो चार पैर, तो 4x, और बतख कितने पैर होते हैं तो 2x, यानी कि 2y, दो पैर होते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना, और क्या अधिक है, 24 अधिक पैर है, ये जो पैर है 24 अधिक है, या तो इसमें 24 माइनस कीजिए या इसमें 24 जोड़ दीजिए, कोई भी एक काम करिए आप। तो इसमें मैंने क्या किया, 24 जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 मतलब कि कामन लेके फिर वो क्यों करूँगा, तो एक्स प्लस वाई, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस वाई हो जाएगा। 2 से दोनों पक्षों में मैंने कामन लिया और डिवाइड कर दिया एक लाइन बचत करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x, यहाँ पे 1x, और यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 12x = 1x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 12 निकल के आ गई। आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए क्वेश्चन, कि भैंस की संख्या समूह में निकालिए, तो मैंने भैंस की संख्या x माना था, तो भैंस की संख्या यहाँ पे 12 निकल के आ जाएगी। तो ये था आपका जानवरों पे आधारित प्रश्न, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम आते हैं नए कॉन्सेप्ट पर, तो क्या है कि इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज मैं समझाने वाला हूँ आपको, वो चीज अगर आप समझ जाएंगे तो गुणा दे, भाग दे, कोई भी दे, आपका एडिशन दे, कितने भी पावर का पावर दे, आप तुरंत निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक टर्म बता दे रहा हूँ, वो चीज़ आप याद रखिए। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, 10 का पावर 40 का यहाँ पे इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका जो पावर दिया गया है ना फ्रेंड्स, उसको क्या कीजिए, आप 4 से डिवाइड करिए, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना उसका शेषफल बचेगा या जीरो बचेगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 जो आपका मतलब कि वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसका शेषफल कितना बचेगा, यानी कि जीरो बच जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 और 10 का जो पावर यहाँ पे अगर बचेगा, इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो इसका मतलब कि लास्ट अंक बच जाएगा, और यही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। अब आइए हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 4337 का पावर है कितना, 245 इंटू है 621 का पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक निकालिए, यानी कि एकल अंक का मतलब वही होता है, इकाई का अंक आप फाइंड आउट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखते हैं, मैं थोड़ा सा लिख लूँ कि 43 और 87 का पावर कितना है, 245 इंटू 621 का पावर है 72। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि इतने का पावर इतना और इतने का पावर इतना का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना बनेगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दी गई है, संख्या के पावर हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना यहाँ पे आपका जो शेषफल बचेगा, इससे मान लीजिए मैंने 245 में 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, और यहाँ पे 5 बच गया, तो 4 मतलब कि अगर 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक मतलब एक बार में जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार मतलब कि यहाँ पे एक शेषफल बच जाएगा ना, तो शेषफल जो जितना आएगा वही इसका पावर हो जाएगा। तो इसके मतलब इसके लिखने का मतलब ये हो गया कि 4387 का पावर 1, आप यहाँ पे इसलिए एक कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसको इकाई का अंक निकालना है। अगर इसका अगर आप इकाई का अंक निकालते हैं तो इसका 7 आएगा, क्यों, क्योंकि अब किसी भी संख्या का पावर 1 आता है तो उसका लास्ट नंबर यानी कि इकाई का अंक वही संख्या हो जाता है, यानी कि ठीक। एक बार और समझिए, जिस संख्या का अगर पावर का मतलब यहाँ पे निकालना है इकाई का अंक, तो सबसे पहले 245 का क्या कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि 61 बार में तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शेष बचाएगा, तो जितना शेष बचता है ना फ्रेंड्स उसका पावर कर दीजिए, जितना शेष बच जाएगा उतना पावर कीजिए, तो पावर कर इसका पावर ये कर दिए। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे 621 यानी यहाँ पे देखिए 72 है ना, तो 72 का यहाँ पे देखिए अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा पूरा, यहाँ पे शेषफल जीरो बच जाएगा। इस संख्या का अगर आप जीरो करते हैं, यानी कि 621 का पावर जीरो करते हैं, तो किसी भी संख्या का जीरो का पावर मतलब कि इसका इकाई का अंक 1 और इसका इकाई का अंक 7, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7। चलिए
किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन परेशान मत होइए, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए परेशान होने की बात नहीं है, मैं पूरे क्वेश्चन समझा के ही आपसे यहाँ पे से जाऊँगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि 122 का पावर है 173, 122 का पावर है कितना 173, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो पावर दिया गया है उस पावर में हम क्या कर दें, क्या करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले चार से अगर आप डिवाइड करेंगे तो चार से के 16, और यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे 13 बचा, कुल मिलाकर 13, यानी कि 13 में अगर आप चार से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, ओके। तो 12 बार में तो गया, लेकिन यहाँ पे एक जो शेषफल बचा ना फ्रेंड्स, एक जो शेषफल इसका बचा वही इसका पावर हो जाएगा, यानी कि 122 का पावर एक का मतलब यहाँ पे 122 में अगर किसी संख्या का पावर एक होगा तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं 122। तो इसका जो इकाई का अंक क्या होगा, यही तो होगा 2, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला नंबर कॉन्सेप्ट देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन एक दो नंबर का आ जाता है, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि 57 के पावर 25 - 1 का अंतिम अंक निकालिए। 57 के पावर कितना है 25 - 1, यहाँ पे माइनस वन है और इसी का इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला चीज़ करना है, माइनस वन वो बस आपको भरमा रहा है ना, ठीक है। तो 57 का पावर 25 पर अगर आप करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो यहाँ पे 4 6 24, 6 बार में तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शेषफल बच जाएगा। तो यही वाला शेषफल का इसका पावर करते हैं 57 का पावर 1 - 1, 57 का पावर 1 करेंगे तो 57 - 1 यानी कि 56 आ गया। तो इसका इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का अंक मतलब कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा होगा तो उसे आप टिक कर लीजिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा जोड़ घटाना है लेकिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1570 का स्क्वायर है, 1570 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर, देखिए लगातार स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये कीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप जीरो का किसी चीज़ का अगर जीरो का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक। और यहाँ पे एक का स्क्वायर करते हैं तो एक का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में एक ही बचेगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे लास्ट में अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, लास्ट वाले का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब देखिए इसको जोड़ के आप इकाई का अंक निकाल लीजिए तो कितना होगा, 9 5 14। तो यहाँ पे 14 इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि 1001 का पावर है 2000 प्लस 1002 का अंतिम अंक निकालिए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1001 का पावर है कितना, 2000 है ना, 2000 है प्लस 1002। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2000 संख्या आपको दिख रही है, इसका पावर जो दिख रहा है 4 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो 4 से पूरा पूरा अगर ये कट जा रहा है तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर कितना होगा, तो पावर इसका होगा 0। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो मैंने नियम बता दिया है, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब ये होगा कि उसकी संख्या यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो गया 1002। तो 1002 प्लस 1001 प्लस कितना, 1 प्लस 1002 कितना होगा, 1003 होगा। तो इसका लास्ट अंक क्या हो गया, 3, इसका राइट आंसर 3 होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए कि 3 का पावर 40 है, 3 का पावर क्या है, 40 का इकाई का अंक आप बताइए कि कितना होगा। तो 3 का पावर 40 का मतलब देखिए जो 40 है 4 से विभाज्य है तो कितना होगा, यानी शेषफल 0। तो यहाँ पे 3 के पावर 0 का मतलब ये हो गया, इसका इकाई का अंक 1 हो गया, ओके। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझिए, इंटू करके जो क्वेश्चन देता है ना, थोड़ा सा लड़के थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि इतना इंटू हम कैसे करेंगे भाई, समझते हैं। यहाँ पे 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, ओके।
इतना का गुणनफल का इकाई का अंक आप निकाल के बताइए। तो सबसे पहले आपको पूरा का गुणा नहीं करना है, मैंने बता दिया कि लास्ट वाले का आप गुणा करते रहिए, और जितना दो अंक आए, चार अंक आए, पाँच अंक आए, चाहे तीन अंक आए, तो उसके इकाई का अंक लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, इसके इकाई का अंक मैंने टिक कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि इसका और इसका इकाई का अंक मैंने क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 35, फिर इंटू इसका निकालिए कितना होगा, इसका 8 × 3 = 24, और यहाँ पे बच गया 9। तो अब देखिए मैं फिर इसका इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करूँगा, इकाई के अंक से, तो 5 × 20, फिर यहाँ पे इंटू 9, तो देखिए 20 × 9 = 180, यहाँ पे इकाई का अंक कितना बच गया 0, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार और इस क्वेश्चन को, ऐसे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आइए उसे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देख लीजिए कि 3 × 38 × 537 × 1256, ओके। अब देखिए इसका इकाई का अंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। तो ये देखिए कि 3 × 8 = 24, यहाँ पे फिर गुणा कीजिए 7 × 6 = 42, ओके, 7 × 6 = 42। अब फिर मैं क्या करूँगा कि 4 और 2 में मल्टीप्लाई करूँगा केवल इकाई के अंक से, तो 4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर होगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा वो क्या होने वाला है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन कि 264 का पावर है कितना फ्रेंड्स, पावर कितना है 102 है, ओके, प्लस है 264 का पावर है फिर कितना कि 103 है। तो ये देखिए यहाँ पे 100 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 100 से डिवाइड हो जाएगा 4, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 शेषफल आ गया और यहाँ पे शेषफल 3 आ गया। तो इसका पावर अगर 264 का पावर अगर आप 2 करते हैं, फिर यहाँ पे 264 का पावर आप अगर 3 करते हैं, तो सबसे पहले आप 4 को पावर करना है, 4 का पावर यहाँ पे 2 बार करिए, तो 4 का पावर 2 और प्लस यहाँ पे 4 का पावर 3 बार करिए, तो यहाँ पे 4 का पावर 2 बार यानी कि 4 × 16, यानी कि 6 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा 4 × 4, यहाँ पे 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 और 16 × 64, तो यहाँ पे बच गया 4, और फिर 4 में 4, यहाँ पे 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4, यानी कि जिस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी हमेशा आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।